आज जो फ्रेंड हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये काफी लोगों का समस्या रह चुका है। मेरा कहने का मतलब है बहुत से बंदे ये जानना चाहते हैं कि मैं कैसे पता कर लूं कि वो लड़की मुझे पसंद करती है, कैसे पता करें ये लड़की मुझे प्यार करती है, लाइक करती है, इंटरेस्टेड है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपके इस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो प्लीज भाई इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड मुझे फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपली क्लिक कर सकते हो या तो आप सर्च भी कर सकते हो। फ्रेंड फॉलो करने का एक फायदा ये भी है कि आप मुझे अगर फॉलो कर लेते हो तो आप मुझसे पर्सनली अपने किसी भी कमेंट के वीडियो बनवा सकते हो या फिर आंसर जान सकते हो। तो भाई इतना बड़ा फायदा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर तो प्लीज आइएगा जरूर। खैर बढ़ते हैं वीडियो में। फ्रेंड देखो, किसी बंदे ने मुझसे इंस्टाग्राम पर ही पूछा था कि सर वो लड़की बार बार अपने छत पे आती है, मुझे देखती नहीं है और चली जाती है। तो देखो भाई मैं आपको इस केस में कुछ बातें बताता हूँ। काफी केसों में होता है कि लड़की आपसे बात करने नहीं आती है, काफी क्या बहुत से केसों में होता है। क्यों? क्योंकि लड़कियां काफी शर्मीली टाइप की होती है और लड़कियों का यह हक होता है कि लड़का ही उसे प्रपोज करे और लड़का ही सामने से अप्रोच करे। बट कई केसों में इस बात की सही तरीके से मान्यता नहीं है, क्योंकि लड़का अगर ज्यादा ही स्मार्ट है और हैंडसम है तो भैया लड़के को ही प्रपोजल आएगा। बट अगर लड़का के थोड़ी लुक एवरेज है तो उसके हिसाब से लड़के को ही प्रपोज करना पड़ेगा। मैं मानता हूं आप मेरी बात नहीं समझे, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर लड़की आपके लिए बार बार छत पर आ रही है, बार बार आपको गली में दिखती है, जब तक आप खड़े हो तब तक वो भी किसी न किसी बहाने से आती जाती रहती है, तो फ्रेंड आप में वो इंटरेस्टेड है और आपको लाइक भी कर रही है। वरना उसे क्या पड़ा है जो अपनी इज्जत को धज्जिया उड़ा रही है वो बार बार उस छत पे आकर या फिर उस गली में घूमकर, क्योंकि आपके अलावा कुछ और भी बंदे ताड़ने वाले हैं। वो बस आपको इस इशारे के जरिए समझा रही है कि देखो मैं भी आपके लिए बार बार आ रही हूं, मैं ज्यादा नहीं आ सकती, अगर आपको मुझसे बात करना है तो बिंदास होकर बात करो। पर अगर कुछ बंदे मुझे ये कहते हैं कि सर मुझे बात करने में डर लगता है, तो भाई मेरे एक बात पूछता हूं आपसे कि आपको डर क्यों लगता है? क्या उस लड़की के सर पे सींग है जो आपको मार देगी, या फिर कहा जाए आप उसे फर्स्ट मीटिंग में प्रपोज करने वाले हो जो आपकी इंसल्ट कर देगी? नॉर्मली फ्रेंड आप बात कर सकते हो कोई एड्रेस के बहाने या फिर टाइम के बहाने, अगर लड़की इंटरेस्टेड है तो रिप्लाई करेगी। पर अगर लड़की को आप ना पसंद हो तो आपको जवाब देना ना समझेगी, तो आप यहां से भी श्योर हो सकते हो कि ये मुझे पसंद करती है या नहीं। दूसरा जो प्रकार का इशारा है फ्रेंड, कि अगर कोई लेडी या फिर कोई लड़की आपको बार बार पलट पलट के देखती है, मतलब एक से दो से ऊपर कई बार, अगर आप कहीं रास्ते में मिल जाते एक दूसरे के साथ, अगर वो पलट कर देख रही है, पलट कर देखने के साथ छोटा सा टिप ये भी है कि अगर उसके चेहरे पर स्माइल आ जा रही है तो हाँ फ्रेंड वो आपको लाइक कर रही है। बट वो सिर्फ अगर नॉर्मली पलट के देख रही है और फिर वो चलते बन रही है तो इसका मतलब तो कोई कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर स्माइल का है। फ्रेंड मैं इसलिए ऐसी बात कह रहा हूँ क्योंकि जब तक लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं होती है तब तक वो आपको स्माइल नहीं पास करने वाली। अब जो फ्रेंड मैं आपको तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, जानते हो क्या फ्रेंड, कि मान लीजिए अगर किसी लड़की को या फिर किसी लेडी को आपके पर्सनल लाइफ में जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, आसान सी भाषा में अगर आपसे वो बार बार पूछती है कि तेरा कोई गर्लफ्रेंड थी, या फिर कहा जाए तू कभी किसी में इंटरेस्टेड था, तेरे मिशन क्या क्या थे, या फिर तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम होती है, या फिर तुम हंसते रहते क्यों नहीं हो, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे तुम शेयर कर सकते हो, तो फ्रेंड अगर ऐसा कोई साइन दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसका ट्रस्ट जीत लिया। कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा काम किया है जिसके चलते आपने उसका ट्रस्ट जीत लिया और वो चाहती है कि आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल बरकरार रहे, या फिर कहा जाए आपके लाइक और डिसलाइक जानकर अपने हिसाब से वो मॉडिफाई कर आपके लाइफ में इंटरफेयर कर सके। तो फ्रेंड ये भी साइन साफ साफ जता देता है कि वो आपको पसंद तो करती है भाई, वरना उसको क्या पड़ी है जो आपकी पर्सनल किसी लाइफ के बारे में वो डिस्कस करना चाहे आपके साथ। हर लोगों को अपनी खुद की ही प्रॉब्लम होती है, बट अगर उस प्रॉब्लम को पीछे करके आपकी प्रॉब्लम वो सुनना चाहती है, देखना चाहती है, तो भाई इसका मतलब है कि वो आप में इंटरेस्टेड तो एटलीस्ट है ही है। अब जो फ्रेंड मैं आपको चौथा पॉइंट बताने वाला हूँ, इससे भाई आप 100% श्योर हो सकते हो कि वो लड़की या फिर कहा जाए वो लड़की आप में 100% है कि भाई इंटरेस्टेड है और लाइक करती है आपको। अगर लड़की आपकी हर एक बातें मानती है, हर एक बातें पर आपके एग्री करती है, अगर आपने उसे कहा कि ये चीज़ गलत है तो भी मानती है कि हाँ चलो ठीक है गलत है और ये चीज़ मैं नहीं करूँगी, और कहीं एक बार नहीं कई बार बात आप बोलते हो उसे, कई अलग अलग बातें और आपकी बातों को एग्री करती है। बट यही लेकिन दूसरी ओर अगर वो आपकी बातों पर एग्री नहीं करती कि नहीं ठीक है मुझे नहीं पसंद है मैं नहीं करूँगी, आप कह रहे हो तो क्या हुआ, बट अगर आपके कहने पर वो चीज कर रही है, चाहे वो किसी भी चीज हो, किसी साड़ी में इंटरेस्ट दिखाना, किसी कपड़े में इंटरेस्ट दिखाना, या फिर किसी सिंगिंग में इंटरेस्ट दिखाना, मतलब सिर्फ मैं आपको एक डेमो बता रहा हूं, बस आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझनी है कि क्या वो मेरी बात मानती है, तो भाई आप में वो इंटरेस्टेड है एंड आपको लाइक कर रही है। अभी तो फ्रेंड इस वीडियो में चार ही पॉइंट, क्योंकि देखो भाई चार पॉइंट समझोगे तभी आपको धीरे धीरे बात समझ में आएगी, क्योंकि अगर मैं एक बात में ही आपको सारी पॉइंट समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। पर इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि पार्ट टू बने तो भाई इस वीडियो पे लाइक करिए अपने तरफ से।
और भाई चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, पर भाई प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे फॉलो जरूर करिएगा भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं जल्द ही अपने इंस्टाग्राम के ग्रुप को बड़ा करना चाहता हूँ फ्रेंड, कि वहां पर आपको लाइव टिप मैं दे सकूँ, लाइव फेस कैन वीडियो बनाकर आपको पर्सनली टिप दे सकूँ और अपने पर्सनल किसी वीडियो के ऊपर मतलब टॉपिक के ऊपर आप मुझसे वीडियो बना सको, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम बनाया है। तो प्लीज भाई मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना, वैसे चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है कि भाई एक फैमिली मेंबर और बढ़ गया। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा भाई हमारी वीडियो को जितना हो सकता है। अन्य प्रकार की सहायता के लिए इंस्टाग्राम जैसे कि बनाता है कॉन्टैक्ट।